क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप के बाद से ही क्रिकेट से दूर हैं और इसके पीछे कई तरह की वजहें बताई जा रही हैं। हालांकि धोनी ने अभी संन्यास नहीं लिया है मगर उनके संन्यास की बातें अक्सर उठती रहती हैं। मगर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि धोनी के संन्यास पर कुछ कहें। लेकिन अब बीसीसीआई अध्यक्ष बने सौरव गांगुली ने धोनी के रिटायरमेंट पर दो टूक बात कही है और इसके लिए तारीख भी तय कर दी है। तो क्या कहा गांगुली ने और कौन सी तारीख हुई तय, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी धोनी और गांगुली के लिए कमेंट करना ना भूलें। तो महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे बड़े कप्तानों में से एक रहे हैं और आईसीसी खिताबों के मामले में तो भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। लेकिन अब लंबे समय से उनके रिटायरमेंट की बातें हो रही हैं। वर्ल्ड कप के बाद धोनी के संन्यास की बात कही जा रही थी लेकिन वर्ल्ड कप के बाद धोनी ने संन्यास तो नहीं लिया लेकिन हाँ, क्रिकेट के मैदान से माही दूर हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि धोनी के संन्यास पर कुछ बोल दें। अब ऐसे में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने धोनी के संन्यास पर दो टूक बात कही है। सौरव गांगुली ने कहा है कि वो 24 अक्टूबर को धोनी के संन्यास को लेकर चयनकर्ताओं से बात करेंगे। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को ही बांग्लादेश सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन होना है और गांगुली ने उसी दिन धोनी के फ्यूचर प्लान को लेकर बात करने का ऐलान किया है। गांगुली ने कहा है कि अभी इस पर बात करना जल्दबाजी होगी लेकिन 24 को हम जरूर बात करेंगे और फैसले पर पहुंचेंगे। यानी अब बीसीसीआई अध्यक्ष ने 24 अक्टूबर का ऐलान कर दिया है तो उस दिन या तो ये तय हो जाएगा कि धोनी मैदान में कब वापसी करेंगे या फिर ये तय हो जाएगा कि धोनी कब संन्यास लेंगे। मगर इतना तय है कि धोनी के भविष्य पर बड़ा फैसला 24 अक्टूबर को आ जाएगा। तो आपका क्या मानना है, क्या गांगुली ने सही फैसला लिया, कमेंट करके जरूर बताएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।